हास्य और व्यंग्य कलाकार राजीव निगम आज रांची में है। वो कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के पक्ष में रांची के कई क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैं अपने कार्यक्रम करने के सिलसिले में कई बार आया हूँ, अलग अलग लोगों मेरे काफ़ी शुरू हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन भी हूँ, मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, ये बीजेपी वाले करते 405 पे कुछ कॉमेडी आपके लिए? बीजेपी वाले तो खुद ही कॉमेडी कर दी है, 405 की ये कॉमेडी ही है ना, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो है 4 जून को उनके इस जुमले पर पूरा देश हंसेगा, वो इतनी बड़ी कॉमेडी है। और 400 पार जब से ये लोग आए हैं तब से तरह तरह के जुमले दिए, ये भी एक जुमला ही है। और इस बीच में बहुत सारी बातें हुई, यहाँ तक कहा गया कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो आपका जो है मंगलसूत्र छीन लेंगे, फिर कहा गया कि ये लोग आ जाएंगे तो आपका 2 कमरा होगा तो 1 कमरा ले लेंगे, फिर ये हुआ मामला भैंस तक आ गया कि आपके यहाँ अगर 2 भैंस होगी तो 1 भैंस ले लेंगे, तो मतलब आपके पास जो भी होगा आधा ये लोग छीन लेंगे। तो हमने कहा आपके पास कितना सीट है इस समय, 303, आधा उसमें से छीन लेंगे, कहाँ 400 की बात है। क्या लग रहा है? सब कुछ साफ है, इस वक्त जनता 10 सालों में त्रस्त हो चुकी है, परेशान है हर क्षेत्र में, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे सामाजिक ताने बाने का मामला हो, चौतरफा नफरत की बयार ये सब हो गया, तो इसलिए 10 सालों में लोग बहुत पक गए। लोग सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, है ना, डेवलपमेंट चाहते हैं, जो पहले भारत था है ना, जो 10 सालों में उन्होंने खराब कर दिया है, उससे निजात चाहते हैं। तो ये जो चाहत है लोगों की, ये पूरे देश में अलग अलग स्टेप में, जो आज तो 5वें चरण का चुनाव भी है, तो आप देखिए चारों तरफ ये चेंजेस के, बदलाव की जो चाहत है वो दिख रही है और 4 जून को प्रचंड तरीके से दिखेगी। अच्छा, ये पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि भाई गठबंधन सरकार में यदि बन भी गया इंडिया को तो इसके हर साल पीएम चेंज होंगे, क्या कहेंगे? अब कहने का आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा दरअसल, खासतौर से पीएम जी को, कि कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब बोल रहे हैं कि साल साल में पीएम चेंज होंगे, आपको याद होगा उस समय पहले तक तो ये लोग कहते थे इनके पास तो पीएम का एक भी चेहरा नहीं है, अब साल साल में चेंज होगा मतलब 5 साल में 5 तो इनको दिखने लगे हैं अब, है ना, तो यही बहुत बड़ी बात है कि इनको 5 दिखने लगे हैं, पहले 1 भी नहीं दिख रहा था। इसका मतलब ये है कि साफ तौर पे इंडिया गठबंधन इस चुनाव में बहुत बड़ी लीड ले रहा है। 400 जो मोदी जी ने अपनी पार्टी के लिए बोला था वो दरअसल इंडिया गठबंधन के लिए बोला गया है, और इस बार जो है सफाया होगा, परिवर्तन होगा। राम मंदिर का मुद्दा कितना है? मुद्दा बचा कहाँ, मुद्दा तो इन लोगों ने बनाए रखा है, न्यूज मीडिया और आए दिन तरह तरह के बयानबाजी, वो कोई मुद्दा है? मंदिर कोई मुद्दा होता है, है ना, मंदिर आस्था का केंद्र होता है, मंदिर लोगों के विश्वास का केंद्र है, बहुत सारे हिंदुस्तान में मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, लोग जाते हैं अपनी श्रद्धा के अनुरूप जाते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, हमारे यहाँ तो लोग ऐसे ऐसे गांव खेड़े के मंदिर में जिनकी मान्यता पूरी हो जाती है पैदल जाते हैं, लोड करके जाते हैं, वहाँ कोई बुलाता थोड़ी है। तो ये जो भाई निमंत्रण दे रहे हैं आप आओ, आप नहीं आए वो नहीं आए, इन्होंने ध्यान मतलब ये खुद ही भगवान बन बैठे। भगवान का तो ऐसा मसला थोड़ी होता है, भगवान आप ना भी जाएं, हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना, आप कर्म करो कर्म ही पूजा है, तो भगवान सब देखते हैं। तो भगवान ने इस बार देख लिया है कि मेरे नाम का दुरुपयोग इतने सालों से कैसे किया गया, मेरे नाम पे किस तरीके से चंदे का धंधा किया गया, मेरे नाम पे किस तरीके से वोट की वसूली की गई, मेरे नाम पे किस तरीके से लोगों को बरगलाया गया, मेरे नाम से किस तरीके से लोगों के बीच में दरार डालने का काम किया गया। तो अगर प्रभु आ गए हैं तो वो सब देख रहे हैं, और ये सब जो देख रहे हैं उसका परिणाम आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। रांची की शहरों में, रांची की सड़कों पे आप जाएंगे, सभा में जाएंगे, किस तरह आप पब्लिकों को, आप कॉमेडी में आपका अच्छा खासियत है जिसको सब लोग जानते हैं,
कैसे आप पब्लिक को? देखिए, कॉमेडी तो मैं कर ही रहा हूँ, बहुत अलग अलग तरीके से करता आया हूँ, अलग अलग विषयों पे करता आया हूँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस होने का समय है ना, मुद्दों पे बात करने की जरूरत है। और जो आवाम है जिसको कई बार कुछ चीज़ें नहीं भी पता है, तो उनको अवेयर करने की, जागरूक करने की जरूरत है। तो मैं इस तरीके से हंसी मजाक में भी मैं मुद्दों की ही बात करता हूँ और लोगों को जागरूक करने की बात करता हूँ। जब देश के लोग जागरूक होंगे तो परिवर्तन होगा। आज देश हमारा कहाँ से कहाँ जा चुका है ना, लोगों को पता ही नहीं है। झूठ, सच्चा, जुमला, फरेब, धोखेबाजी, ये बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सोचिए समाज के लिए कितना घातक है। तो मैं ऐसी चीज़ों को अवेयर करता हूँ, जागरूक करता हूँ, वो बातें करता हूँ जिसमें थोड़ी सी हंसी मजाक, थोड़ी सी चुटकियाँ भी होती हैं, सच्चाइयाँ भी होती हैं, गहराइयाँ भी होती हैं, व्यंग भी होता है। तो इस माध्यम से मैं अपनी बात रखता हूँ। मोदी जी कहते हैं कि अगले 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि अगले 5 साल तक लोग गरीबी रहेंगे? भाई, आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। सवाल और जवाब यही है ना, कि 5 साल तक मुफ्त राशन। भाई देखिए, ये राशन जो फ्री दिया जा रहा है अभी तक, आगे भी जो उन्होंने बात कही है, ये क्या है? आज तक मुझे समझ में नहीं आया ये राशन क्यों दिया जा रहा है। आपने 2014 में आए थे तब क्यों नहीं दिया, फिर 2019 में आए तब क्यों नहीं दिया? ये राशन कोविड के समय, कि कोविड के समय काम धंधा, लोग परेशान थे, गरीब परेशान था, तो कोविड के समय हेल्प करने के लिए दिया गया था ये राशन। लेकिन फिर जब ये दिखने लगा, कुछ स्टेट के इलेक्शन हुए, खासतौर से यूपी के इलेक्शन में 5 किलो जब राशन दे रहे थे, तो चुनाव के पहले उन्होंने तेल भी देना शुरू कर दिया, नमक भी देना शुरू कर दिया, दाल भी देना शुरू कर दिया। तो 2 महीने में दाल और तेल और नमक डाल के इन्होंने खिचड़ी पका ली अपनी सत्ता की। तो उनको लगा ये राशन वाला मामला बड़ा अच्छा है यार, है ना, ये राशन में फंसलाए रखो लोगों को। तो ये हेल्प नहीं है, ये मदद नहीं है लोगों की। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।